Hello everyone, welcome back into your business study class. In our previous video, we had discussed about the limitations of company organization. We will continue our topic, limitations of company organization. Its fifth limitation, that is delay in decision making. In company organization, there is usually delay in decision making. Why? Why there is delay in decision making? Because in company organization, there are various level of management. There are various level of management. बहुत सारे management के level होते हैं, जैसे कि top level, middle level और lower level. And approval has to be obtained at different level before taking the final decision. Approval has to be taken from all the levels before taking any final decision. किसी भी final decision पर पहुंचने से पहले, लेने से पहले final decision को हमें हर level से उस डिसीजन के लिए अप्रूवल लेनी पड़ती है और इस अप्रूवल को लेने में ही बहुत टाइम लग जाता है, बहुत लेंथी प्रोसेस बन जाता है. हमारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, वहां पे हमारे डिसीजन को एक फाइनल डिसीजन माना जाता है. अगर कोई डिसीजन वहां पे पास हो जाता है तो वो डिसीजन फाइनल माना जाता है और इस प्रोसेस में काफी टाइम लगता है. सो इस कारण से जो डिसीजन मेकिंग है वो क्या हो जाती है, डिले हो जाती है. In this way, it is impossible to take the quick decision in the company. इस कारण से कंपनी में क्विक डिसीजन लेना, बड़ी जल्दी से डिसीजन लेना इम्पॉसिबल हो जाता है हमारे लिए. ओके, एंड एज अ रिजल्ट समटाइम्स प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटीज मे बी स्लिप अवे फ्रॉम द हैंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एंड ड्यू टू दिस डिले इन डिसीजन मेकिंग, कई बार हमारे हाथ से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो वो निकल जाती है, क्योंकि टाइम निकल जाता है तो अपॉर्चुनिटीज भी निकल जाती हैं. ओके, मे बी हमारे कंपटीटर्स उस अपॉर्चुनिटी का पहले फायदा उठा लें तो मार्केट में उनका प्रोडक्ट बिक जाता है, हमारा रह जाता है, हम बाद में लेके आते हैं उस प्रोडक्ट को. तो डिले इन डिसीजन मेकिंग किसी भी कंपनी के लिए बहुत नुकसानदायक प्रूव होता है. ओके, तो डिले इन डिसीजन मेकिंग इज वन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन. देन सेकेंड लिमिटेशन, हाई टैक्सेशन. हाई टैक्सेशन, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू पे टैक्स एट द हायर रेट एज कम्पेयर टू अदर फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. गवर्नमेंट ने जो भी कंपनी की इनकम होती है उस पर जो टैक्स रेट है वो ज्यादा फिक्स किया होता है, तो इस ये भी एक सबसे बड़ी ड्रॉबैक है दूसरे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के कम्पेरिजन. जैसे कि सोल ट्रेड है हमारा या पार्टनरशिप है, उस पे जो हमें अपनी इनकम पे टैक्स पे करना पड़ता है वो रेट लो होता है इन कंपैरिजन टू कंपनी ऑर्गेनाइजेशन. तो कंपनी को टैक्स भी ज्यादा पे करना पड़ता है, तो ये भी क्या है, कंपनी के लिए एक ड्रॉबैक है. इट इज ऑल्सो द लिमिटेशन. देन थर्ड, ओलिगार्चिक मैनेजमेंट. ओलिगार्चिक मैनेजमेंट मीन्स क्या होता है, इट मीन्स अ फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट रन बाय फ्यू पीपल. When management is run by few people, not by all the peoples, हम कहते हैं, हमने फीचर में पढ़ा था कंपनी के कि डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होती है. कंपनी की मैनेजमेंट कैसी होती है, डेमोक्रेटिक. बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ पेपर पे लिखने की बात है कि कंपनी की जो मैनेजमेंट होती है डेमोक्रेटिक है, ये जस्ट हमारी आई वॉश है. ठीक है, रियल में जो फ्यू रिच पीपल होते हैं जिन्होंने कंपनी में काफी सारे शेयर परचेज किए होते हैं, उन्हीं के हाथ में कंपनी की मैनेजमेंट होती है, उन्हीं के हाथ में कंपनी का कंट्रोल होता है कि डिसीजन लेना है या नहीं लेना है. तो इट मीन्स अ फॉर्म ऑफ मैनेजमेंट रन बाय फ्यू पीपल. इन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन फ्यू रिच पर्संस मे सिक्योर द कंट्रोल ऑन द अफेयर ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन. अफेयर मीन्स एक्टिविटीज, कंट्रोल. जो भी कंपनी का डिसीजन मेकिंग होता है वो सिर्फ कुछ ही लोग लेते हैं, सिर्फ दिखावे की हमारी डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट होती है, रियल लाइफ में तो ओलिगार्चिक मैनेजमेंट ही होती है. ओके, इस डेमोक्रेटिक फीचर ऑफ मैनेजमेंट इज जस्ट आई वॉश, इन रियलिटी इट हैज ओलिगार्चिक मैनेजमेंट. रियलिटी में तो ओलिगार्चिक मैनेजमेंट होती है. तो ये भी क्या है, ड्रॉबैक है. सबको इक्वल राइट नहीं मिल रहा, सबको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होने का राइट नहीं है, तो क्या है, ड्रॉबैक है. ओके, मे बी दूसरे पर्सन अच्छा डिसीजन दे सकते हैं बट इसमें कुछ फ्यू पर्सन का ही कंट्रोल हो जाता है. देन नेक्स्ट इज नेपोटिज्म. नेपोटिज्म मीन्स डिस्क्रिमिनेशन करना, फेवर करना.
directors and the managing agent may appoint their relatives and friends as an officer on important posts. जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, मैनेजिंग एजेंट होते हैं, वो कंपनी की बड़ी बड़ी पोस्ट के लिए अपने रिलेटिव्स या अपने फ्रेंड्स को अपॉइंट करने की कोशिश करते हैं, उनको लगाते हैं, चाहे उनमें फिर वो स्किल्स भी हों या नहीं हो, उस पोस्ट के लिए उनकी क्वालिफिकेशन है या स्किल्स है या नहीं, वो उसके लिए सुटेबल है या नहीं, वो प्रेफर करते कि हम अपने रिलेटिव को लगाएं। एक सुटेबल कैंडिडेट की जगह वो अपने रिलेटिव्स को लगा देते हैं, अपने फ्रेंड्स को लगा देते हैं। ओके, डायरेक्टर्स एंड मैनेजिंग एजेंट अपॉइंट देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एज अ ऑफिसर ऑन इम्पोर्टेंट पोस्ट विदाउट कंसीडरिंग देयर स्किल्स, विदाउट कंसीडरिंग देयर स्किल्स दे अपॉइंट देयर फ्रेंड्स। समटाइम इफ एम्प्लॉयड रिलेटिव इज अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी सक्सेसफुली देन इट प्रूव वेरी कॉस्टली फॉर द कंपनी। अगर फ्यूचर में ही पर्सन सक्सेसफुल नहीं होता, अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर पाता है किसी भी कारण से, क्योंकि उसको स्किल्स नहीं है, उसके पास वैसी क्वालिफिकेशन नहीं है, बट लक किस कारण गया, क्योंकि वो फ्रेंड है डायरेक्टर का, मैनेजिंग डायरेक्टर का रिलेटिव है, इस कारण उसे लगा दिया। लेकिन फ्यूचर में अगर वो अपने इस अनएक्सपीरियंस के कारण अनसक्सेसफुल हो जाता है टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ अ कंपनी, देन दिस एम्प्लॉई प्रूव वेरी कॉस्टली फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो इम्प्लॉयज हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या पड़ जाते हैं, बड़े कॉस्टली पड़ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वर्क तो वो अच्छा करते नहीं है लेकिन सैलरी उनको मिल रही है अच्छी खासी, तो कॉस्टली प्रूव होते हैं, सैलरी देनी पड़ती है लेकिन उतना वर्क नहीं दे पाते ये हमें, क्लियर। तो ये भी क्या एक कमी है कि जो ये नेपोटिज्म फॉलो किया जाता है डायरेक्टर्स के द्वारा, मैनेजिंग डायरेक्टर्स के द्वारा, हायर अथॉरिटीज के द्वारा, दिस इज ऑल्सो द इम्पोर्टेंट ड्रॉबैक ऑफ अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, हमारा फेवर नहीं होना चाहिए अपने रिलेटिव के कंपैरिजन में, अपने क्लोज फ्रेंड के रिलेशन कंपैरिजन में। ओके, देन नाइन्थ, इन पर्सनल वर्क एनवायरमेंट, इन द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम द वर्क एनवायरमेंट इज इम्पर्सनल। वर्क एनवायरमेंट जहां पे हम काम कर रहे होते हैं वो एनवायरमेंट इम्पर्सनल होता है, एक पर्सन दूसरे के साथ पर्सनली अटैच नहीं होता है। ओके, लाइक हमने पढ़ा इसके फीचर्स में कि मैनेजमेंट अलग है और ओनरशिप क्या है, अलग है, दोनों में सेपरेशन है। तो ओनर्स मैनेजमेंट नहीं करते, उनका कोई कंटेक्ट नहीं होता वर्कर्स के साथ, डायरेक्ट रिलेशन नहीं होती, दूर की रिलेशन होती है। एंड ड्यू टू दिस सम टाइम्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स आर अराइज। डिस्प्यूट मीन्स झगड़ा, किसी भी चीज पे जब हम सहमति ना हो तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अराइज हो जाते हैं, क्योंकि वर्कर्स के ऊपर ओनर का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है, उसके ऊपर तो मैनेजमेंट का डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, और मैनेजमेंट वर्कर्स को इतना प्रमोट नहीं करती है, उनके बेनिफिट के बारे में नहीं सोचती है, उनको मोटिवेट नहीं करती है, तो जिसके कारण से दोनों में कन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है, मैनेजमेंट में और वर्कर्स में, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, तो दिस इज ऑल्सो अ ड्रॉबैक, जब हमारे वर्कर्स हमसे खुश नहीं होंगे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होगी तो कंपनी की फंक्शनिंग पे ही कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा, उसके प्रॉफिट पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा, तो कंपनी के लिए क्या है, डिसएडवांटेज है। देन सोशल अब्यूज, एक्सप्लोइटेशन करना, लाइक अब्यूज मीन्स एक्सप्लोइटेशन करना, सोसाइटी का एक्सप्लोइटेशन करना। अ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज अ लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज अ ह्यूज रिसोर्सेज। बड़ी कंपनीज हैं, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करती है और काफी पैसा होता है इनके पास, ह्यूज रिसोर्सेज होते हैं, तो इस कारण से सम टाइम इट क्रिएट्स मोनोपोली इन द मार्केट। ड्यू टू दिस फीचर दे क्रिएट मोनोपोली इन द मार्केट। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोपोली? मोनोपोली मीन्स व्हेन देयर इज ओनली वन सेलर इन द मार्केट एंड द नंबर ऑफ बायर्स आर लार्ज। बेचने वाला एक ही पर्सन है और खरीदने वाले काफी लोग हैं, ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं मोनोपोली। और कभी भी मार्केट में जब ऐसी सिचुएशन अराइज होती है कि सेलर एक हो और बायर्स बहुत हो, तो सेलर हमारे एक्सप्लोइटेशन करते हैं, हमें घटिया क्वालिटी की चीज दे देते हैं, अडल्ट्रेशन कर देते हैं, हाई प्राइस चार्ज कर देते हैं हमारे साथ, हमें कस्टमर सर्विसेज भी नहीं देते मे बी, क्योंकि उन्हें पता है कि लोगों को घूम फिर के हमसे ही लेना है, क्योंकि हम ही हैं सिर्फ सप्लाई करने वाले और नहीं है, ठीक है। ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन छोटे छोटे फर्म्स को एंट्री नहीं करने देती, क्योंकि इनके पास बहुत रिसोर्सेज होते हैं, ये कॉम्पिटिशन में उनसे जीत जाती है छोटी ऑर्गेनाइजेशन से,
और एंड में जाके रिजल्ट क्या होता है, इनकी मोनोपोली बन जाती है, औरों को एंट्री ही नहीं करने देती है ये। ठीक है, इतनी पावर होती है इनके पास पैसे की, रिसोर्सेज की, कि और ऑर्गेनाइजेशन और पर्सन बिजनेस में एंट्री नहीं कर पाता है। इस कारण से मोनोपोली क्रिएट होती है और फिर मोनोपोली के कारण से कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन होता है। अ जॉइंट स्टॉक कंपनीज आर लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन हैविंग ह्यूज रिसोर्सेज, दिस प्रोवाइड अ लॉट ऑफ पावर टू देम एंड समटाइम्स गिव बर्थ टू अनहेल्थी कंडीशन इन द सोसाइटी एंड दिस क्रिएट्स अनहेल्थी कंडीशन इन द सोसाइटी। Having monopoly of a particular business and exploiting the consumers, consumers को exploit करते हैं, अपने workers को भी exploit करते हैं इस तरह से ये। ठीक है, क्योंकि monopoly है तो बेचारे workers और किसी organization में तो जा नहीं सकते, एक ही जगह पे production हो रहा है तो उनका भी exploitation करते हैं, उनको wages low दे देना, ज्यादा wages नहीं देना, उनको benefits नहीं देना, तो इस तरह से ये exploitation करते हैं। Clear? I hope you will understand this limitation of company organization. Thank you very much. Take care and goodbye, students.